अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है भाई सबका मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सब लोगों की दुआओं के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वेलकम बैक जी माशाल्लाह से जी आज बड़ा ही खूबसूरत दिन निकला था बड़ा ही अच्छा दिन निकला था इतनी प्यारी धूप थी और इतना अच्छा सा लग रहा था ना बहुत रोशन रोशन सा और आज है जी लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज़ तो जी तकरीबन बारह बजे का टाइम था और मैं जो है ना ज़रा फ्रेश हो के कपड़े वगैरह चेंज करके तो नीचे आई थी नाश्ता नुश्ता हो चुका था और मैं क थोड़ा सा हुवर करती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो काम नहीं थे साथ साथ होते रहे हैं तो बस हल्का फुल्का ही था के थोड़ा बहुत करके तो इन जो है वो कल के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो देखें जी किचन भी साफ़ था तकरीबन बस नाश्ता सुबह किया है ना उसके बाद मैंने बर्तन शर्तन धो के सारा कुछ क्लियर कर दिया और देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम था आज वाकई इतना मज़े का मौसम था कि दिल कर रहा था कि कहीं जाएं लेकिन ये कि आज हमने कहीं भी नहीं जाना था और यहाँ पे जो है ना वो मैंने अरूज से कहा था कि आप अपनी चीज़ें जो है ना वो टाइडी अप करो क्योंकि वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है ना तो उसके काफ़ी जो है ना उसने खलारा डाला होता है तो वो जो है ना सारा कुछ उसने उठाया फिर मैंने होमवर्क किया और यहाँ पे जो है जी अरूष अपना होमवर्क कर रही थी तो अरूष को लग गई गलती जिसको लगा कि एक बुकलेट है तो इसने जब खोल के देखा आज तो वो जो है होमवर्क उसका ज़्यादा था खैर वो बिज़ी थी अभी और कर लेगी इंशाल्लाह शाम तक तो अजवा को जो है वो मैंने शावर करवा दिया और अजवा बड़ी एक्साइटेड थी जी कल स्कूल के लिए कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों तीनों ने कभी भी तंग नहीं किया स्कूल जाने के लिए कभी भी नहीं रोए ना जैसे पाकिस्तान में होता था ना मैं खुद जो है वो बड़ा मतलब करती होती थी, थी कि नहीं हाय बदड़ आ गए नहीं स्कूल जाना बारिश आ गई नहीं स्कूल जाना तो यहाँ पे ऐसा चैसा कोई सीन नहीं है तो अरुष जो है ना यहाँ पर जो ना हर दो मिनट के बाद मुझे आवाज़ देती मम्मा आई नीड योर हेल्प तो अलहमदिल्ला बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी हेल्प करते हो और जो है रूहान के साथ भी मैं ऐसे ही करती होती थी रोहन के साथ भी बड़ी पढ़ाई की अभी मैंने <laughs> बरूश की बारी है तो यहाँ पे जी दोपहर के लिए जो है वो बनने लगा था दोपहर का खाना और ये था तंदूरी चिकन जो कि मैं फार्म फूड से लेके आई थी ये मैं सेकेंड टाइम लेके आई हूँ फ़र्स्ट टाइम मैं लेके आई थी ना तो मैंने ट्राई करने के लिए लेके आई थी लेकिन ये इतना अच्छा निकला है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बच्चों को बड़ा पसंद है असवा को और अरुष को दोनों को बड़ा पसंद है रोहन को भी पसंद है लेकिन रोहन के मूड पर डिपेंड करता भाई जो टीन में बच्चे चले जाते हैं उनके थोड़े तो से ना मूड भी हो जाते हैं कभी कभार वो हमको कहे ना कि हाँ ये खा लो तो वो कहेंगे नहीं हमारा मूड नहीं है ये खाने का तो हमारा ये खाने का मूड है तो जो है वो सब कुछ देखना पड़ता है सो आप जो है ना वो किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को जो फोर्स करना होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती तो ये कबाब जो है ना वो ये मैं ला के रखती हूँ एजडा के बड़े मज़े के होते हैं वो कहता कि मुझे आप मम्मा कि कबाब वाला जो है ना वो रैप बना दें और ऊशी अजवा से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तंदूरी चिकन वाला रैप बना दें मैंने कहते हैं जी काम हो गया सौखा और जी आज मेरी जो है ना वो कैमरा गर्ल है कैमरा मैन ही कैमरा गर्ल जो है वो है अजवा अजवा रिकॉर्डिंग कर रही है अजवा से मैं रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ क्योंकि ना आ, मेरा जो था ना ट्राई वो गया टूट और मैंने अभी नया नहीं मंगवाया तो थोड़ा सा मसला बन रहा है रिकॉर्डिंग करने में तो यहाँ पर जो है वो किचन टावल्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे वो रखे और जो है वो ग्रिल जो है ये साफ़ करने वाली थी मैंने सैंडविचेस बनाए थे तो साफ़ नहीं की थी तो मैंने इसको फटाफट कर लेती हूँ साफ़ उतनी देर में जो है वो कबाब भी बन जाएंगे और जो है ना वो तंदूरी चिकन भी बन जाएगा तो ये देखे ना ये तीन कबाब थे उनको मैंने ना छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ साथ में क्यों कम्बर था और साथ में जो है ना वो लेटस थी और साथ में सॉस आ जाएंगे चिप्स मैंने बच्चों से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं हमने चिप्स नहीं खाने तो बस ये डिपेंड करता है जी मूड क्या चल रहा है तो यहाँ पे जो है वो सबके लिए बने के जी आज मज़ेदार सादा सा आसान सा बिल्कुल बिल्कुल ही आसान है मतलब ये ना टेंशन फ्री काम होता है फ़टाफट बन जाते और मुझे तो जो है ना वो अलहमदुल्लह बड़ा इजी लगता है ना कई बच्चे आपके कहें कि हाँ जी हमें ये वाली चीज़ निकाल के फ्रीज़र पे निकाल के बना दें फटाफट और फ्राई में रखें और साथ साथ आप दूसरे काम करें तो जल्दी जल्दी जो है ये सारा हो जाता है और कि मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा जो है ना वो मैंने एम बनाया था कि हमने ना हॉलीडेज़ में जो है ना फ्रीजर में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी फिनिश करनी है तो तकरीबन सारी हो ही गई हैं भाई फिनिश अब जो है ना वो एक दो सब्जियाँ बची हैं बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैं रही थी अब इन फार्म फूड चाहूँगी और फिर जो है ना वहाँ से जो है वो शॉपिंग करके लेके आऊँगी किसी सिस्टर ने मुझे फ़िश के लिए भी पूछा था लेकिन वो लास्ट फिश थी जो मैंने बनाई थी ना तो मेरे पास उसका रैपर नहीं था वो मैंने फेंक दिया था इस दफ़ा इनशाला लेके आऊँगी ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ दूसरी फिश जो इस दफ़ा मैं लेके आई थी ना आइसलैंड लैंड आइसलैंड सॉरी फार्म फूड से तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त निकली थी तो दो किस्म की फ़िश है जी वो इनशाला आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अब फॉम फूड की शॉपिंग जो है वो आनी है इनशाला देखें किस दिन जो है वो मैं जाऊँगी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसी हिसाब से जो है ना वो मैनेज करके जाऊँगी इन तो ये देखिए बड़ा मज़े का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ये रैप बन जाता है और रोहान जो है ना इसका दिल करता है कि जितने घर में सॉस है ना सारे के सारे ऊपर चले जाए तो इतना फ्लेवरफुल हो जाए ना कि बस स्वाद ही आ जाए <laughs> तो जो भी होता है ना जितने भी होते हैं ना कहते हैं है कौन कौन सा सॉस है मैं कहती ये भी है ये भी है तो कहीं कह सारे ही डाल दे और इसने इमली की चटनी इसके ऊपर मैंने डाली है और वो उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना बस टेस्ट उस बना बन जाते हैं है। अभी इसी तरह से माएँ जब बनाती है बच्चों के लिए तो सारे टेस्ट बन जाते हैं और मुझे कह रहा था कि मम्मा आप इसको हैंडल कर लेंगी मैंने कहा बिल्कुल बेटा क्यों नहीं हैंडल कर सकती मैं बिल्कुल इसको हैंडल कर लूँगी कहता नहीं फीलिंग ज़्यादा हो गई मैंने कहा नो की फीलिंग ज़्यादा हो गई लेकिन हो जाएगा हैंडल तो ये जी माशाल्लाह से रुहान के लिए आज बस जो है ना आज का दिन जो है ना वो हमारा खाने पीने में गुजर गया <laughs> तो बस कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है ना कि बस आपके पास कोई ऐसा इतने ज़्यादा काम नहीं होते फिर आपका फोकस जो है ना वो खाने पीने पे होता है सो तो वो माशा काफ़ी अच्छा इन्होंने बेगल्स का आज जो है वो ब्रेकफास्ट किया था तो वो जो है वो हम आ, मैं गई थी इनको लेके एजडा शॉपिंग ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने कहा ऑनलाइन क्या करनी है तो ये जो है ना मैंने कहा थोड़ी सी इनकी आउटिंग हो जाएगी इनको साथ ले जाती हूँ तो मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने कहा आपको इतनी ही दफ़ा तो ऐसा दिखाया अब आपको ऐसा ही मैं दिखाऊँ कि बस मेरे पास ऐसा ही है भाई अब मैं क्या करूँ कुछ और कैसे दिखाऊँ तो खैरुहान को का बन गया था और अब यह रूश और रजवा की देखे ना कितनी मज़े की कि उसकी लुक ही बड़ी अच्छी है ना वो तंदूरी तो चिकन की और तो टेस्ट भी बड़ा अच्छा है इसके ऊपर उन्होंने ना अम, लगाई हुई है कलवंजी कलवंजी है इसके ऊपर और जो है ना वो ब्लैक जो होते नहीं हैं क्या उसको कहते हैं तिल जो होते हैं उनका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना जब वो मुँह में आती हैं तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है भी बड़े मज़े की जो है ना ये तंदूरी चिकन बना हुआ है इसमें ना और भी हैं एक मेक्सिकन चिकन है और एक जो है ना वो स्पाइसी वाला है लेकिन मेरे बच्चों को मैंने तीनों ट्राई किए हैं लेकिन मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये वाला पसंद आया तो इसलिए पहली दफ़ा मैं एक एक लेके आई थी तीनों को ट्राई करती हूँ तो उनको ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं लेकर तो फिर मैं ना सिर्फ जो है ना वो तंदूरी चिकन लेके आई थी तो रुहान का बन गया जी अब जो है वो अजवा का और अरूज का तो अरूज तो अभी फ़िलहाल बिजी है तो वो कह रही थी कि मम्मा मैं अपना फिनिश करूँगी तो उसके बाद जो है ना वो मैं शावर लूँगी मैंने कहा नहीं बेटा आप आराम से अपना काम कर लो तो उसके बाद जो है ना वो आपने सारे काम कर लेना खूब मज़े किए हैं भाई हमने दो वीक माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है वो दो वीक गुजरे हैं तो अब जो है वो बैक टू नॉर्मल कल से जो है वो इंशाल्लाह सारी जो है वो दोबारा से वही सुबह सुबह अब वैसे ये है कि समर आ गया ना तो समर में दिन बड़े खुले खुले और बड़े ज़बरदस्त बड़े मज़े मज़े के दिन होने हैं अब तो इंशाल्लाह जी तो यहाँ पे इनको बनाने के देने के बाद जी ये देखिए जी मैं भी बड़े मज़े के साथ बैठ के खा रही थी और मैंने क्या किया था मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली थी थोड़ा सा वो बचा था तो थोड़ा सा वो बचा था तो वो जो है वो मैंने अपना रैप बना लिया मैंने मिक्स वाला रैप बना लिया तो बड़ा मज़े का बन गया और ये देखे जी बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे मैं भी कर रही थी तो अलहमदल्ला जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे अरूष और रोशनी सॉरी रोहान और अजबा खेल रहे थे अच्छा जो मेरा पिछले वाला घर था ना वो था तो फ्लैट दो बेडरूम का लेकिन उसके सामने ना उस एक तो उसका बैक गार्डन बड़ा खुला था और दूसरा ना उसके सामने छोटा सा पार्क था बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल सामने फ्रंट था तो फ्रंट पे तो वहाँ पे बच्चों के लिए बड़ी जगह होती थी तो बच्चे बड़ा खेलते थे साइकिलिंग बड़ी कर रहे कर लेते थे और खेलते बड़ा ज़बरदस्त थे वहाँ पे ना बड़ा बड़ी अच्छी जगह थी मतलब बिल्कुल प्लेन थी और ये यहाँ पे जो है वो हिल है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बैक गार्डन है वो बहुत छोटा है तो बच्चों को ना इतनी उस तरह से जगह नहीं मिलती तो ये थोड़ा सा मैं फील करती हूँ लेकिन अलहमदिल्ला का शुक्र है जी तो जी घंटा डेढ़ी गुजरा था जी चाय तो उसी टाइम बड़ा दिल कर रहा था पीने को लेकिन मैंने कहा नहीं थोड़ा टाइम ठहर के फिर चाय बनाती हूँ तो चाय बनाई और ना पता मैं ना अक्सर सोचती हूँ कि लोग बड़ा एहतमाम करते हैं ना चाय के साथ कि चाय जो है वो खाली नहीं पीनी तो मुझे वैसे ख़ाली चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे चाय के साथ कोई भी चीज़ कोई कुकीज़ कोई किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है ना मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा टू मच हो जाता है कि आप डबल डबल खाई जाओ खाई जाओ तो ना यहाँ पर ये ना लेके आए थे बच्चे मफिनस लेके आए थे और साथ में थे ब्राउनीज ओए हो तो बन रही मीठा तो मैंने ये प्लेट में डाल के इनके लिए रख दिए तो मैंने कहा अच्छा मैं भी साथ में ट्राई कर लेती <laughs> थोड़ा सा बस जी गलती कर बैठी मैं खाण दी हूँ देखो मैं सद के जब मेरी धी थक गई थी अरूच ना थक गई थी तो मुझे कहती मम्म हम सो टायर तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ये आराम से आपका हो जाएगा तो रहने दो आराम से जो है ना वो चाय के साथ जो है ना जो भी लेने आपने वो लो तो इसके लिए मैंने चाय नहीं बनाई थी बाद में कहती मैंने चाय जो है ना वो लेनी है थोड़ी सी तो मैंने थोड़ा सा कवर डाल के ना ज़्यादा दूध डाल के उसको बना दिया अच्छा जी एक मफिन मैंने खा लिया थोड़ा सा जू ली एक बाइट और एक जो है वो मैंने खा लिया तो थोड़ी सी ब्राउनी जो थी ना बिल्कुल कह सकते हैं कि मैंने मुंह में तो डाल दी बस मिनू मैं मिठी मिठी शायद हो गई मुझे तो ना ऐसे ना मुझे चक्कर आने लग जाते मीठा खा के मैं रू अजवा मैं क्या अजवा नहीं मिनू कोई नूल शैल है अच्छा यहाँ पे तो मैंने उसको मैंने कहा मुझे क्लासेज ला के दो क्योंकि टीवी चल रहा था तो ये बच्चे देख रहे थे मुझे कह रहे थे मामा हमारे साथ देखें तो मुझे ना मैंने कहा मुझे ग्लासेस ला दो तो अजवा मेरे ग्लासेस लेके ये नए वाले ग्लासेस हैं जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये ना मतलब मुझे ना तंग करते हैं मुझे ना चलते हुए प्रॉब्लम होती है मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं गिरने लगी हूँ पहले वाले ग्लासेस के साथ मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे ऐसे लगता है जैसे उसने ना नंबर सही नहीं लगाया कोई चक्कर है इसके साथ ना तो पुरानी वाली लगाऊँ तो ठीक है तो ये लगाऊँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम करता है मुझे दोबारा ऑप्टिशन के पास जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी और जो है ना ये थोड़ा सा मसला बन गया और भी मैंने अजू से कहा मैंने कहा अजबा जाओ मुझे कुछ ला के दो मैं तो बहुत मेरा मुंह ना इतना मीठा हो गया था मतलब मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी तो फिर अज़ू ने ना मुझे ला के ना पीनट्स दिए मैंने कहा पीनट्स पड़े हैं वो मुझे ला दो सॉल्टेड वाले तो मैं थोड़े से वो खाऊँ तोबा तोबा तौब तो कैसे बच्चे मीठा खा लेते हैं बल्कि लोग कैसे मीठा खा लेते हैं तो जी बस यहाँ पे जो आज हमने ना खाने पीने पे काफ़ी जोर रखा है आज का दिन साढ़ा खादिया पीदियाँ लंघ गया मैं गया आखिरी दिन छुट्टियां का तो खा भी करा लो मतलब आज हमने ना नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा खाया मतलब कोई और काम नहीं थे ना बिज़ी नहीं था तो फिर सिर्फ फोकस जो है ना वो खाने पे था चलें जी दो में रखिएगा याद इन आपको फिर मिलेंगे बशरते ज़िंदगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़